डन, टुडे वी लर्न पेज नंबर 54। तो 53 तक क्वेश्चन 1 to 4 एक्सरसाइज 30 के हमने कर लिए थे। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन 5 है, अ बर्थडे पार्टी स्टार्टेड एट 8:35 आवर्स इन द इवनिंग एंड फिनिश्ड एट 10:05 आवर्स एट नाइट, देन हाउ लॉन्ग डिड द बर्थडे पार्टी लास्ट। ओके, वो बर्थडे पार्टी स्टार्ट कब हुई थी? 8:35 इन इवनिंग एंड वो फिनिश हुई 10 बजे तक, 10:05 आवर्स। सो कितनी आवर्स गई लास्ट, कहाँ तक पार्टी चली? सो 8:35 टू 9:35 वन आवर एंड 9:35 टू 10:05 यानी के 30 मिनट्स, तो 1 आवर 30 मिनट्स पार्टी चली। फिल इन द एम्प्टी स्पेस विद द यस और नो इन द टेबल। तो कप सिरप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, तो कैन बी यूज्ड इन जुलाई 2080। ओके, जुलाई 2080 तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते नहीं। सो कप सिरप की डेट है 5/3/2007 एंड 5/3/2090। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 5/8/3 months यानी कि मार्च एंड 2072, तो कैन बी यूज्ड इन जुलाई 2080। तो आप यस, तो पहले में आएगा यस जो दिया है वो, क्योंकि 2080 में आप यूज़ कर सकते हो। ओके, 90 तक उसकी एक्सपायरी डेट है। दूसरा है बटर, तो उसकी डेट है वो भी 90 तक है, तो वो भी हम जुलाई 2080 में यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन टेबलेट है उसकी एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग 550 है, एक्सपायरी 570 है, तो जुलाई 2080 में हम यूज़ कर सकते नहीं। ऐसे ही स्वीट है वो भी 2280, तो सेकंड मंथ यानी कि फेब्रुआरी तक ही है, तो वो जुलाई 2080 में यूज़ कर सकते नहीं। ऐसे ही स्नैक्स है उसकी 2072 अप्रैल 2080। ओके, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते नहीं, तो नो लिखना है। इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ पैकेट ऑफ रोस्टेड कोरिएंडर इज 4/8 एंड एक्सपायरी डेट इज 10/8। ओके, तो कितने दिन, व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट? तो 4/8 to 10/8, तो बीच में 6 days, कितने दिन है द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 6 days। इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन घी, घी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 19/12/2070 एंड राइट रिटर्न बेस्ट बिफोर 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। आप जब पैकिंग हुआ उसके 180 days बाद तक आप यूज़ कर सकते हो, तो देन वुड बी सेफ टू यूज 29/4/2080। तो यस, इट वुड बी सेफ टू इन 29/4/180 days यानी कि 6 months हुए ना, 1 month के 30 या 31 days, तो ऐसे 30, 60, 90 एंड दूसरे 30, 60, 90 यानी कि 180 days यानी कि 6 months, तो आप 6 months तक ये यूज़ कर सकते हो जब डेट बने उसके बाद। ओके, तो 12 months है तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, तो 6 months तक हम यूज़ कर सकते थे, यहाँ 29/4 है तो हम यूज़ कर सकते हैं। इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन द ऑयल कैन इज November 2070 एंड एक्सपायरी डेट इज आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन वुड इट बी सेफ टू यूज दिस कैन December 2080? तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है वो 12 months के बाद कितनी हो जाती है 2070 November, तो सामने 2018 November तक कंप्लीट हो जाती है ना, 2080 November में 1 year कंप्लीट हो जाता है। यहाँ लिखा है कि 12 months यूज़ कर सकते हैं, तो 12 months है वो 2080 November में कंप्लीट हो जाते, तो यहाँ लिखा है कि December 2080 में यूज़ कर सकते हैं, तो क्या लिखना है आपको, नो इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़ दिस कैन बी इन December। ओके, तो हम December में यूज़ कर सकते नहीं, यहाँ आगे नो लिखा है, नो इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा, फोर नंबर का क्वेश्चन है,
इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट रिटन ऑन पैकेट 27/3/2070 एंड एक्सपायरी डेट वॉज रिटन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, तो 27/3/2070 के बाद 12 मंथ कंप्लीट हो तो 2080 होता है, ओके 27/2080। तो हम कहाँ तक उसका यूज़ कर सकते हैं, तो 26/3/2080 27 आए वापस 2080 तो एक्सपायरी डेट हो जाती, तो कहाँ तक, तो कौन सी डेट तक हम यूज़ कर सकते हैं, तो 26/3/2080। इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ पैकेट ऑफ ब्रेड वॉज 3/2/2080 एंड एक्सपायरी डेट वॉज 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, सो विच डेट वॉज द पैकेट सेफ टू यूज़, तो 3/2/2080 उसके बाद एक्सपायरी डेट कितने दिन, 3 डेज, पैकिंग के 3 डेज बाद वो एक्सपायरी हो जाती है, तो कौन सी डेट तक आप यूज़ कर सकते हो, तो 5/2/2008 डेट है वो लास्ट डेट है, वो हम सेफ है तहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक्सरसाइज 60 देखो, डेट एग्जांपल दिया है कि 2/3/2007, तो बीच वाला जो 3 है तो आपको पता होना चाहिए थर्ड कौन सा मंथ है, तो मार्च, तो आपको क्या लिखना है 2/3/2007। ऐसे ही 27/8 मंथ है वो अगस्त, तो बीच में जो मंथ है 8/5/10/1/4 ये सब आपको बीच में मंथ मंथ का नेम लिखना है। 9 है तो 9 सितंबर है, ओके, तो कुछ नहीं करना आगे पाछे से, बीच का जो 9/3 बीच में ये जो मंथ लिखा है तो वहाँ आपको मंथ का नेम लिखना है। नेक्स्ट है डेट, तो यहाँ क्या है उसका उल्टा, यहाँ जो मंथ दिया है तो जून कौन सा मंथ है, जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जून है 6 मंथ है, तो 3/6/2006, ओके। ऐसे ही 12 मार्च है तो 12/3/1985, ऐसे मंथ का नेम आपको लिखना है, यहाँ आप देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट है हमारा ये जो हमने कर लिया, इसके बाद पेज नंबर है 12 hour clock and 24 hour clock, तो मैंने आपको बताया है कि ये 12 hour और 20 hour, ये जो 12 hour clock है ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, ये 24 hour clock की घड़ी है, तो यहाँ 1 को क्या बोलते हैं 24 hour clock में, इसे 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसे 20, 21, 22, 23 and 24, तो ऐसी 24 hour clock की घड़ी होती है। अगर 1 है तो आपको क्या लिखना है 30, पीछे का आवर्स जो मिनट होते हैं वो ऐसे ही लगा देनी है। 3 है तो 3 के जगह कौन है 50, तो 50, 30, 4/20 तो 4 कौन कहाँ है तो 60, 60/20, 9 है तो 9/21, पीछे का जो है वो 9/10 तो 21/10, ओके, तो 24 hour की ये घड़ी होती है, इसे आपको 24 hour clock का टाइम बताना है। बाद में आपको ऐसे उलट उलट सुलट मांगे कि 23/25 तो कहाँ है, तो 11/25, ओके, तो ऐसे सेम आपको सब करना है। नेक्स्ट है मनोहर टुक 1 hour 50 minutes टू गो टू स्कूल फ्रॉम हिज होम ऑन बाइसिकल, ऑन दिस वे बैक होम ही टुक अनदर रूट एंड रीच इन 55 मिनट्स, तो हाउ मच टाइम डिड ही सेव बाई टोकिंग द शॉर्टर रूट, ओके, वो हर रोज जाता है तो 1 hour 50 minutes, ओके 60, 70 and 75 minutes वो स्कूल पे जाता है, दूसरे रूट पे आए तो 55 मिनट्स हुई, तो कितनी मिनट बचाई उसने, 75 - 55 तो 20 मिनट उसने उस दिन बचाई, तो ए ऑप्शन आएगा।
जागृति वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एट 1:25 PM. हर फादर टोल्ड हर बैक होम इन 1 hour 45 minutes. ओके, वो उसके फ्रेंड के हाउस पे गई 1:25 PM. उसके फादर ने उसे 1 hour 45 minutes में घर वापस आने के लिए बोला. तो वो कौन से टाइम पे घर पहुंची होगी? ओके, तो कौन सा टाइम है? 3:10. ओके, 1:25 के बाद 1 hour काउंट करो तो 2:25 और 45 मिनट डालो तो क्या होता है? 3:10. ओके, नेक्स्ट है 3 hours 80 minutes. तो 3 hours, 1 hour की 60 मिनट, तो 3 hour की 6 3 180 और 18 डालो, 80 मिनट्स है ना, 3 hours 80 मिनट, तो 8 8 1 9 and 1 9 8. नेक्स्ट है 38 days, तो कितने वीक्स हुई है? 38 days, 5 weeks and 3 days, 1 week के 7 days. ओके, और 7 5 35, तो 5 week एंड ऊपर एक्स्ट्रा 3 days. 23 7 9 stand 4, 7 month कौन सा है? जुलाई. तो आपको क्या लिखना है? 23 जुलाई 2009. नेक्स्ट है बीच के पेज नंबर 58 and 59, आपको वर्क में करना है. और अब है पेज नंबर 60. तो ये 60 पेज नंबर पे आपको जो घड़ी में जो टाइम है, सही टाइम है, वहाँ सर्कल करना है. तो यहाँ 4:20 है, सब तो आता ही है सबको. इसमें 7 o'clock, इसमें 7:45. ओके, यहाँ आपको 5 hours 20 minutes, तो आपको हैंड ड्रॉ करना है, तो वो भी सबको आता है, 5 and 20 minutes. ओके, 8 hours 40 minutes, तो 8 है और 40 minutes. नेक्स्ट है 10 hours 55 minutes एंड 3 hours 35 minutes, तो ये सबको आता ही है, राइट. नेक्स्ट है यहाँ भी आपको क्लॉक के टाइम बताना है, तो वो तो आपको आता ही है. बाद में पुट राइट इन द बॉक्स रिपीट कंपेयर मोर टाइम, इसमें कौन ज़्यादा टाइम बताता है? 8 hours के 400 minutes, तो 8 hour, 1 hour की कितनी मिनट? 60, तो 6 8 48, 480 and 400 minutes, तो कौन ज़्यादा हुई? ये 8 hours की मिनट ज़्यादा हुई, तो मोर कौन है? 8 hours. ऐसे 3 hours 5 minutes, तो 3 hours यानी कि 6 3 80, तो 185 minutes एंड 160, तो कौन ज़्यादा हुई? 3 hours 5 minutes. 200 minutes एंड 2 hours 40 minutes, 2 hours, 1 hour की 60, तो 60 60 120 120 में 40 डालो तो 160 and 200. ओके, तो कौन ज़्यादा हुई? 200 minutes. ऐसे ही 1 hour 35 minutes एंड 100 minutes, तो 1 hour की 60 60 plus 35, ओके, 60 plus 35 5 95 मिनट हुई, और ये 100 मिनट, तो 100 मिनट ज़्यादा. नेक्स्ट है 4 hours, तो 4 hours 50 minutes, 4 hours की 4 6 24, 240 plus 50 0 4 5 9 290 290 and 270, कौन ज़्यादा हुई? 290, तो 4 hours 50 minutes ज़्यादा, तो वहाँ राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ISR मैथ्स ट्यूशन बिगिन इज 50 30 hours. तो मैंने आपको यहाँ 24 hour की घड़ी का सामने टाइम बताया है. तो फिनिश कब होता है? इंग्लिश का ट्यूशन कब स्टार्ट होता है और इंग्लिश का फिनिश कब होता है? तो कितने टाइम कौन सा ट्यूशन ज़्यादा चलता है? तो मैथ्स का ट्यूशन 50 30 यानी कि 3:30, फिनिश होता है 60 45, तो 4:45. ओके, इंग्लिश का 70 एंड फिनिश होता है 8:20. तो ये दोनों का आप डिफरेंस करो कि इन बीच कितनी मिनट्स जाती है? 1 hour 50 minutes. ओके, और 70 और 80, तो इसके 1 hour 20 minutes जाती है. तो ये 1 hour 50 minutes एंड ये 1 hour 20 minutes. सो इन दिस कौन सा ट्यूशन ज़्यादा चलता है? तो इंग्लिश का. ओके, इंग्लिश का ट्यूशन ज़्यादा चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर अमर्स एग्जाम इन ईयर 2018 स्टार्ट फ्रॉम 18 मार्च एंड एंड ऑन 30 अप्रैल. तो 18 मार्च
2080 में स्टार्ट होती है एंड 13 अप्रैल में वो ख़त्म होती है। सो कितने दिन? तो 18 मार्च टू 28 मार्च 10 डेज, 28 मार्च टू 7 अप्रैल, 28 टू 7 अप्रैल 10 डेज, एंड बाकी के बचे 7 डेज 30 अप्रैल तक, तो 27 डेज उसकी एग्ज़ाम चली। बाबू की स्कूल है वो 8 o'clock को उसका टाइम है। टुडे ही रीच स्कूल 8:22, तो हाउ मेनी टाइम वॉज लेट रीच द स्कूल? तो 8 बजे का टाइम है और 8:22 तक वो पहुंचा, तो कितनी मिनट्स लेट पहुंचा? 22 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है, अंकुर टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एवरी डे 7:25 इन द मॉर्निंग, टेक लंच 12:30 आवर्स। ओके, तो 7:25 को वो लंच लेता है एंड 12:30 दोपहर के वो लंच लेता है, तो हाउ मच टाइम आफ्टर द ब्रेकफास्ट डज टेक द लंच? दोनों के बीच में कितना ब्रेकफास्ट है और लंच के बीच में कितना डिफरेंस है टाइम का? तो 7:25 टू 8:25, इसके बाद 9:25, 10:25, 11:25 एंड 12:30, तो ये आप आवर्स काउंट करो, ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 1 आवर 5 मिनट। ओके, तो 5 आवर्स 5 मिनट के बाद वो लंच लेता है। इफ द समर वेकेशन स्टार्ट 7 मई ऑनवर्ड्स 35 डेज, 7 मई पे उसका वेकेशन स्टार्ट होता है, 35 डेज चलता है, तो रीओपन कब होगी उसकी स्कूल? 7 मई टू 8 जून एंड 11 जून द स्कूल रीओपन। 35 डे 7 मई से आप काउंट करना स्टार्ट करो, तो 35 डेज कहाँ आता है? तो 11 जून डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ मैंने आपको ये जो 24 आवर की घड़ी है ये जैसे अभी समझाया था ऐसे बताई है। तो मानू कंप्लीट इज होमवर्क 20:30 आवर्स। ओके, ही स्पेंड्स 40 मिनट्स टू कंप्लीट द होमवर्क, देन एट वॉट टाइम डी डूइंग हिज होमवर्क? तो मानू कंप्लीट हिज होमवर्क एट 20:30, यानी के 20:30, तो 20 है कहाँ आता है? 8, पीछे की मिनट्स ऐसे ही लगा देनी है, तो 8:30 ही स्पेंड 40 मिनट्स, बाद में 40 मिनट्स स्पेंड करता है, तो स्टार्ट डूइंग एट 19:50 आवर्स। ओके, तो यहाँ आप काउंट करना स्टार्ट करो, 8:30 यहाँ से 40 मिनट, ये 5, 10, 50, 20, 25, 30 एंड 30 सॉरी, ही स्टार्ट डूइंग हिज होमवर्क एट 19:50 से वो स्टार्ट करता है और 7:50 आवर्स। ओके, तो 9:50 तक उसका होमवर्क है। वॉट टाइम डूइंग ही स्टार्ट द होमवर्क? अच्छा, उसने होमवर्क कब स्टार्ट किया है? ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट करता है, तो 40 मिनट्स स्पेंड करता है, तो 40 मिनट, तो 19:50 आवर्स पे, यानी कि 7:50 आवर्स में वो स्टार्ट करता है। द पार्टी फिनिश मिडनाइट, यानी कि 12 o'clock, द पार्टी लिस्ट 3 आवर्स 30 मिनट, 3 आवर्स 30 मिनट पार्टी चली, तो 12 o'clock से 11 o'clock, 11 o'clock से 10 o'clock, 9 o'clock और 8:30। ओके, तो कितनी पार्टी कब स्टार्ट हुई होगी? 8:30 तक। ओके, थैंक यू।